समाजवादी पार्टी के मुख्य महासचिव रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने विरोधियों को जेल में डालकर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं बचेगा जिसके खिलाफ ईडी और आयकर विभाग की ओर से जांच नहीं की जा रही होगी। रामगोपाल ने बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे सोचते हैं कि लोगों को जेल में डालकर उन्हें आतंकित करके उन्हें दबाव में लाया जा सकता है। इंदिरा गांधी की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने इतिहास में बीजेपी ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। पहले वाली सरकार थी वो तो 40 साल सत्ता में, कोई समझता था जाए, लेकिन इन्होंने तो 5 साल 10 साल में इतने कुकर्म कर दिए हैं कि जनता जो है अपने नाक तक जो है डूबती जा रही है, सांस लेना मुश्किल है। जब ये स्थिति हो जाती है तो लोग बोलते नहीं, बदल देते हैं। कहीं कानून में ये नहीं लिखा है कि आप लोगों के घरों को तोड़ देंगे, आपके खिलाफ़ मुकदमा हो जाए, बुलडोजर चल रहा है। चुनाव से पहले इस देश का विपक्ष का कोई ऐसा नहीं नेता बचेगा जिसके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स वगैरह की कार्रवाई न हो।